पुलिस की एक यूनिट 11 ने कांदीवली पश्चिम खजूरिया नगर में जाल बिछाकर नशे का कारोबार करने वाले दो भारतीय और दो विदेशी नागरिकों को ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 700 ग्राम एमडी बरामद की है, जिसकी कीमत 1,40,00,000 रुपए बताई जा रही है। क्राइम ब्रांच अधिकारी के अनुसार क्राइम ब्रांच यूनिट 11 को खबर मिली कि कांदीवली पश्चिम खजूरिया नगर में कुछ लोगों ने नशीला पदार्थ बेचने आ रहे हैं। खबर मिलते ही क्राइम ब्रांच ने उस जगह पर जाल बिछा दिया। कुछ समय बाद दो लोग ऑटो रिक्शा से थोड़ी देर बाद एक एक्टिवा बाइक से दो विदेशी नागरिक आए। शक होने पर क्राइम ब्रांच ने अधिकारियों ने इन लोगों को चारों तरफ से घेर लिया। तलाशी लेने पर उन लोगों के पास 700 ग्राम बरामद हुआ, जिसकी कीमत 1,40,00,000 रुपए है। पेश है हमारे मुंबई संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। मुंबई के दो व्यक्ति है, एक गिरोह चला रहे जिसमें एमडी नाम का जो नार्कोटिक सब्सटेंस है, ड्रग्स है, इसकी खरीद फरोख्त हो रही है, लोगों में बेचा जा रहा है। और इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद में इसके बारे में एक ट्रैप अरेंज किया गया था, जिसमें कांदिवली में चार लोग आने की बात कही गई थी। कांदिवली में खजूरा नगर के एरिया में इस ट्रैप का अरेंज किया गया था। यूनिट 11 के सीनियर पीआई इंचार्ज पीआई सुनील माने और उनकी टीम ने वहाँ पे ट्रैप लेड करने के बाद में उन्हें ऑटो रिक्शा और एक्टिवा इस वाहन का इस्तेमाल करते हुए चार आरोपी वहाँ पे आए हुए मिले। कानून के हिसाब से उनको हिरासत मिली कि जब उनको उनके पास से हमने जड़ती ली तो पता चला कि उनके पास 700 ग्राम एमडी, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत 1,40,00,000 होती है, यह बरामद हुई। कानून के हिसाब से उन पर अपराध दर्ज किया गया है। आगे का इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं। शुरू के जांच में पता चल रहा है कि दो जो आरोपी हैं, जो फॉरेन नेशनल बताए जा रहे हैं, उसका एक का पासपोर्ट हमें मिला है और पासपोर्ट के मुताबिक वो आइवरी कोस्ट इस कंट्री का नेशनल है और इंडिया में वह आया हुआ था, टूरिस्ट वीज़ा पे आया हुआ था, लेकिन फरवरी 2020 में उसका वीज़ा ख़त्म हो चुका है और इसके तहत वह अवैध रूप से इंडिया में वास्तव्य कर रहा था, यह शुरू की जांच में पता चल रहा है। साथ में दूसरा भी आरोपी है, उसकी प्राथमिक जानकारी है कि वो आइवरी कोस्ट का ही नागरिक है। और अन्य दो आरोपी है, उसमें का एक आरोपी सन्नी साहू, जो शुरू की जांच में पता चल रहा है कि वह इस गिरोह का मुखिया है और यही अन्य आरोपी के साथ में यह एमडी का कारोबार मुंबई में कर रहा है, जिसमें उसके ऊपर शारीरिक और अन्य तीन तरह के अपराध दर्ज होने की बात सामने आई है। और उसके साथ में उसका साथी टुनटुन, जिसका पूरा नाम दीनानाथ चौहान है, यह भी इसमें हमने अरेस्ट किया है। इसमें हमें माननीय न्यायालय ने 18 तारीख तक पीसी दी है। इसमें इन्वेस्टिगेशन करके या आगे इन्होंने एमडी कहां से खरीदा था और आगे ये एमडी अन्य किन किन व्यक्तियों को ये आगे बेचने वाले थे या बेच रहे हैं, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन या इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं।